कितना प्रभाव पड़ेगा उनकी बात पे? योगी पोगी से तो हमें पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं, हमने सुना भी नहीं है योगी आया है उसे। मुसलमान हो चाहे हिंदू, सबको एक साथ लेके चल रहा है। सामूहिक शादियां करवाना, चाहे वो हिंदू की बेटी हो चाहे मुसलमान की, चाहे मस्जिद का काम हो चाहे मंदिर का, चाहे गुरुद्वारा का, सब में वो जैसे भी लोग उनके पास पहुंचते हैं सब में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। बाबा बालकनाथ जो एक बाहरी आदमी है, यहाँ लोकल आदमी बहुत हैं लड़ने के लिए इलेक्शन। बाबा बालकनाथ को इधर कोई वोट नहीं मिलेगा। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजस्थान की रणभूमि में कौन जीतेगा और कौन नहीं, ये आने वाला वक्त बता देगा दोस्तों। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है। अभी इस वक्त देश नीति की टीम राजस्थान पहुंची हुई है और पहला जो स्थान है, पहली जो जगह है वो है टपूकड़ा। ये जो इलाका है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, इसका बहुत महत्व है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि तिजारा विधानसभा में ही ये क्षेत्र पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ तिजारा की, तो तिजारा वो विधानसभा है जिससे बाबा बालकनाथ जो है खड़े हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से इमरान खान प्रत्याशी हैं यहाँ पर। बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। कल ही योगी आदित्यनाथ और जितने भी उनके नेतागण हैं, 100 गाड़ी के काफिले से वो यहाँ पर पहुँचे थे, और यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने वही विवादित बयानों की जो है दोस्तों झड़ी लगा दी। अभी इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, हम पूछने की कोशिश करेंगे लोगों से कि वो क्या सोचते हैं। अभी आज की अगर मैं बात करूं, तो आज तकरीबन शाम को 4 बजे तक इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगा, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद चुनाव प्रचार जो सभा है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जनता का मिजाज क्या कहता है, जनता किसको चुनना चाहती है, क्या इमरान खान को चुनना चाहती है या फिर बाबा बालकनाथ के नाम पर वो वोट देना चाहती है, दोस्तों दिमाग टटोलेंगे लोगों का, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नाम क्या है आपका? नौशाद खान। नौशाद खान, किसको देख रहे हैं, बाबा बालकनाथ को, इमरान खान? इमरान खान को। क्यों, वजह? वजह यही है, वो बिना इलेक्शन के अच्छा काम करता था, इलेक्शन के बाद और अच्छा काम करेगा। अच्छा, बिना इलेक्शन के अच्छा काम करता है, तो इससे पहले भी तो कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे, तो वो अच्छा काम नहीं करेगा? इससे अच्छा तो अभी इमरान करेगा ना। अच्छा, वो ज्यादा अच्छा करेंगे। मैं बात करना चाहूंगी सर, आपका नाम? शाहून खान। शाहून खान, क्या देख रहे हैं अभी इस वक्त राजस्थान की राजनीति में, कौन आता हुआ नजर आ रहा है आपके इस क्षेत्र में, किसका प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है, इमरान खान का या बाबा बालकनाथ? देखो, मुकाबला अच्छा है जी। अब अपने मेवात बेल्ट में तो सभी इमरान के साथ लगे हुए हैं। अब देखते हैं आगे 25 तारीख को पता पड़ेगा। यहाँ पर हिंदू वोट कुछ ज़्यादा है, इसलिए हिंदू वोटों पर डिपेंड है। अगर इमरान को हिंदू वोट मिलती है तो अच्छा वो है, मेवा में तो एक तरफा है। अच्छा, तो योगी जी भी आए थे कल, बहुत कुछ बोल कर गए हैं, बुलडोजर बुलडोजर सब बोल कर गए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा उनकी बात पे? योगी पोगी से तो हमने पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं, हमने सुना भी नहीं है योगी आया है उसे। अच्छा, तो आप गए थे उनकी रैली में? नहीं, हम नहीं। नहीं गए? नहीं। और कितने लोग आए होंगे तकरीबन, आप तो इस क्षेत्र के निवासी? पता नहीं हमें कितना आए थे। अच्छा, ये भी नहीं पता, तो इंटरेस्ट नहीं लिया योगी जी के? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है सर, आपका नाम? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद, अली मोहम्मद साहब, अभी इस वक्त इस पूरे इलाके में इमरान खान का वर्चस्व नजर आ रहा है या फिर बाबा बालकनाथ का? इमरान खान। क्या इमरान खान? क्योंकि इमरान खान के अंदर जो अच्छाई है ना, चाहे अपने मुसलमान हो चाहे हिंदू, सबको एक साथ लेके चल रहा है, हिंदू मुस्लिम एक। हाँ, और दूसरी बात ये, उनके चुनाव में तब खड़ा हुआ है, चुनाव से पहले पहले उन्होंने लोगों के इलाके में लोगों का दिल जीत रखा है। भैया कहीं जैसे सामूहिक शादियाँ करवाना, चाहे वो हिंदू की बेटी हो चाहे मुसलमान की, है सबको एक साथ सहयोग करना है, चाहे मस्जिद का काम हो चाहे मंदिर का, चाहे गुरुद्वारा का, सब में वो जैसे भी लोग उनके पास पहुंचते हैं सब में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि उनके अंदर ये नीति नहीं है भाई, ये हिंदू का या मुसलमान का, सबको बराबर का सहयोग देते हैं। ठीक है। हाँ। बराबर का सहयोग, तो इसलिए आप उनको, इसलिए वो जो है वोट जो है अपनी तो जो ले रहे हैं, मेऊ बहुल इलाका है हमारा, तो जितने मुसलमान जो वोट हैं वो सारी एक तरफा जाएंगी इंशाल्लाह। उसका अलावा हिंदू जो वोटें हैं उनमें भी उनका अच्छा प्रभाव है, अच्छे लोग उनको उससे जुड़े हुए हैं, और हिंदू वोटों में से बहुत सारी मतलब वोटें ले रहे हैं। तो बाबा बालकनाथ में ऐसा क्यों, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं देखी जा रही, वो बाहरी है रोहतक के प्रत्याशी है, ऐसा एक कारण ये भी है भाई, हर आदमी अपने को सही वो करता है जी। क्योंकि जो बाबा बालकनाथ हैं वो बाहर के हैं, अपना जो अपना तो अपना ही होता है, चाहे वो गैर हो चाहे अपना हो,
क्यों? अपना इलाके के लिए हर आदमी सहयोग करता है अपने कैंडिडेट के लिए। तो अपने इलाके के लिए हर आदमी सहयोग करता है, अपने कैंडिडेट के लिए हर आदमी सहयोग करता है। बात करना चाहेंगे और भी बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान को कितना सपोर्ट है और बाबा बालकनाथ के लिए थोड़ी बहुत भी जगह लोगों के दिल में है या फिर नहीं है। बाबा बालकनाथ आखिर किस वजह से पिछड़ सकते हैं या क्या वजह रह सकती है जिसकी वजह से लोग उनको ना चुने? जी मैडम, ये जो इमरान खान, ये अपने तिजारा से प्रत्याशी है कांग्रेस से, और इसका अच्छा प्रभाव है और अच्छी इसकी नीति है। बाबा बालकनाथ जो एक बाहरी आदमी है, यहाँ लोकल आदमी बहुत हैं लड़ने के लिए इलेक्शन, इसलिए उसको वोट नहीं मिलेंगे। इमरान को तो एक साथ ही वोट मिलेंगे, सारे इमरान के साथ हैं, और इमरान का 36 बिरादरी सारा अच्छा भेदभाव है उसका, और उसका मैजत मंदिर से कोई ऐसा मामला नहीं, सब में वो मदद करता है, लड़कियों की शादी कराता है, और इमरान एक अच्छा लड़का है, और इमरान को ही वोट मिलेंगी, बाबा बालकनाथ को इधर कोई वोट नहीं मिलेगी। तो बाबा बालकनाथ को इधर कोई वोट नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, तपूकड़ा का इलाका है, और इस पूरे इलाके में दोस्तों जहां से हम लोग आ रहे हैं, तकरीबन अगर मैं इस पूरे इलाके की आबादी की बात करूं तो बताया जाता है कि 1,60,000 समथिंग जो वोट हैं वो यहां पर मुस्लिम वोट है, और बाकी के जो 1.5 लाख है, 2 लाख से ऊपर की आबादी है, 1,60,000 जी, तो 1,60,000 जो है यहाँ पर मुस्लिम वोट है, और बाकी की जो आबादी है अगर आप देखेंगे तो वो हिंदू वोट की है। तो आप कह सकते हैं कि मिली जुली आबादी है, लेकिन दोनों ही तरफ से पलड़ा जो भारी नज़र आ रहा है वो इमरान खान का नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस इलाके में जो लोगों के दिमाग में चल रहा है, जैसा हमने आपको बताया, वो कितना कारगर साबित होता है कितना नहीं, और नतीजे जो आने वाले 3 दिसंबर को, उन 3 दिसंबर के नतीजे में वो जो उनके मिजाज में चल रहा है वो नज़र आता है या फिर नहीं। आगे और चलेंगे, चुनावी यात्रा और बड़ी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देश नीति।